मालथौन पुलिस ने दबिश देकर 15,000 की कीमत की अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नगर के बड़े मोहल्ला में चल रहे अवैध शराब कारोबार पर छापामारी की है और यहां से जो है 55 लीटर महुआ निर्मित कच्ची शराब जब्त की गई है। तो पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सागर के द्वारा और मैं जो भी महोदय के द्वारा समय समय से शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिलते रहते हैं। तो कल शाम को हम लोग अमराज शाह के साथ कसवा भ्रमण पे थे तो तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बड़ा मोहल्ला में कच्ची महुआ शराब बेच रहा है। जो सूचना कर दी गई तो अमराज शाह के साथ जब मैं वहाँ पर रवाना हुआ, जो मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो वहाँ पर एक व्यक्ति डब्बे से कुछ भरता हुआ नजर आया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमने घेराबंदी कर पकड़ा और उसके जब तलाशी ली तो उसके पास से कच्ची महुआ के एक दो पाउच मिले। तो उससे और पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरे पास और भी शराब स्टॉक रखी है। जबलपुर में फर्जी शादी कर अपने प्रेमी के साथ भागने